बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड 3। दिस इज आवर यूनिट नंबर 4। इट इज अबाउट मेजरमेंट, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी, एंड दिस इज आवर लेसन नंबर 3। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द SLO, यूज स्टैंडर्ड मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर इंक्लूडिंग देयर एब्रीविएशन। हमने प्रीवियस लेसन में सेंटीमीटर वाला जो टॉपिक था उसको डिस्कस कर लिया था। आज के लेसन में इसी SLO का हम लोग मीटर वाला जो टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। मीटर भी जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ। टीचर जो है लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। हैव यू एवर सीन अ मीटर स्केल? जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो आपके बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स है या फिर आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है या फिर आपके बैग में ये एक सेंटीमीटर स्केल पड़ा होता है। इसी तरह एक लॉन्ग स्केल होता है जो कि बड़ा स्केल होता है, मोस्टली आप लोगों के घरों में होगा या फिर जो वुड कटर होते हैं उनके पास होता है लॉन्ग स्केल जिसको हम लोग मीटर स्केल कहते हैं, और उसके ऊपर भी सेंटीमीटर राइट किए हुए होते हैं जैसा कि इस स्केल के ऊपर सेंटीमीटर राइट किए हुए हैं जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स और आपके बैग में अवेलेबल है। इसी तरह मीटर स्केल भी वो 1 मीटर लॉन्ग होता है जिसको हम लोग लॉन्ग जो लेंथ हैं उनको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड देन नेम एनी 2 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेजर्ड बाय द रूलर स्केल, जो उस मीटर स्केल है बड़ा उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ऐसे कोई से भी 2 ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व करें। आप करें क्या, अपने टीचर को बाद में आपने ये चेक करवाना है अपना वर्क। हर स्टूडेंट ने अपनी नोटबुक के ऊपर एक लिस्ट बनानी है, आपने ऑब्जर्व करना है अपने क्लासरूम में। कैन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप मीटर स्केल के साथ मेजर कर सकते हैं, और वो आपने लिस्ट बनानी है और फिर टीचर को दिखानी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं कीवर्ड की तरफ, या जो आज के कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे अगेन एंड अगेन। यूनिट्स ऑफ लेंथ देखेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स, मीट्रिक यूनिट्स एंड देन मीटर इज वन ऑफ द यूनिट। हमारे पास हम लोगों ने बेसिकली 3 यूनिट्स डिस्कस किए थे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स हैं। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल SI जो है, SI यूनिट भी इनको बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है जो कि दुनिया में हर जगह पे यूज होते हैं, एक मीटर, सेंटीमीटर और फिर किलोमीटर, ये 3 यूनिट यूज होते हैं। और अब यहां पर हम लोग जो है वो मीटर को डिस्कस कर रहे हैं आज के लेसन में, इसके ऊपर फोकस है हमारा। तो अब आ जाएं मीटर को देखते हैं। मीटर क्या है? अ मीटर कंसिस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर, मींस के जो आपने स्केल यूज किया था जो आपके बैग में पड़ा होता है उसके ऊपर जो सेंटीमीटर लिखे होते हैं वो ऑलमोस्ट 30 होते हैं, जबकि बड़ा जो मीटर स्केल होता है उसके ऊपर 100 सेंटीमीटर राइट किया होता है और ऊपर वाली साइड पे 1 मीटर राइट किया होता है, 1 m फॉर मीटर। जैसा कि हम लोगों ने सेंटीमीटर का एब्रीविएशन जो यूज किया था वो cm था, cm फॉर स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। और इसी तरह मीटर के लिए हम लोग m यूज करते हैं, सिंपल m फॉर मीटर। सो जब मीटर स्केल होगा उसके ऊपर 100 सेंटीमीटर भी लिखे होंगे एक साइड पे और दूसरी साइड पे 1 m लिखा होगा। इस 1 m का मतलब होता है m फॉर मीटर। सो देयर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। सो वी कैन राइट इट एज
1 meter is equal to 100 centimeter. So its symbol is M. It is metric system unit used to measure the length. तो अब आ जाए नेक्स्ट, जो चीज आपने याद रखनी है, हम लोग मीटर किस लिए यूज करते हैं, लॉन्ग लेंथ को मेजर करने के लिए, और 100 मीटर के मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, जो कि मैंने प्रीवियस पेज के ऊपर भी आपको बताया है. ये हम लोग ज्यादातर अपने जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आएंगे उनमें यूज करेंगे. आपने ये चीज याद रखनी है, 1 meter इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मीन्स देयर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 meter. तो जैसा कि ये स्क्रीन मेरे पास लगी हुई है या बोर्ड है और इसकी जो लेंथ है इसको मेजर करने के लिए मैं मीटर स्केल यूज करूंगा. सेंटीमीटर स्केल भी यूज कर सकता हूं, अगर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट यूज करने हैं थ्रेड यूज कर सकता हूं और या फिर पेंसिल यूज कर सकता हूं, और अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करने हैं तो उसमें सेंटीमीटर स्केल और मीटर स्केल दोनों यूज हो सकते हैं. और मीटर स्केल इसलिए यूज किया जाता है कि जो लॉन्ग लेंथ्स होती हैं, जिस तरह लेंथ ऑफ अ वॉल, लेंथ ऑफ अ डोर, लेंथ ऑफ अ विंडो और लेंथ ऑफ द फ्लोर, ये मेजर करने के लिए हम लोग लॉन्ग स्केल को जो हमारे पास होता है मीटर स्केल उसको यूज करते हैं. और सम टाइम हमारे पास एक स्ट्रिप होती है जिसको हम लोग मेजरिंग टेप बोलते हैं, वो भी यूज करते हैं. तो अब आ जाएं, ये जैसा कि जहां पर इस शीट के ऊपर गिवन है, ये टेप मेजरिंग टेप दी हुई है और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये मेजरिंग टेप मेजर करने के लिए जो आपके पास लॉन्ग लेंथ है, तो एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर के किसी भी प्लॉट की अगर लेंथ मेजर करनी हो तो उसके लिए हम लोग मीटर, ये जो मीटर स्केल टेप है मेजरिंग टेप, इसको यूज करते हैं. और जैसे ही यहाँ पर 100 के ऊपर पहुंचेंगे तो आपके पास ये 1 meter के इक्वल होगा, ये सेंटीमीटर है 100 centimeter, तो 100 centimeter इज इक्वल टू 100 centimeter इज इक्वल टू 1 meter के इक्वल होता है. तो जैसा कि ये आपके पास स्केल मीटर स्केल गिवन है कि जब लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए हम लोग सेंटीमीटर यूज करते हैं, और आपके जो मीटर स्केल है उसके ऊपर सेंटीमीटर और मीटर दोनों राइट किए हुए होते हैं. सो अ डोर नॉब इज अबाउट 1 meter अबव द फ्लोर लेवल. सिमिलरली इट वुड टेक टू 20 डोर्स की end to make 1 meter. Means के जैसा के ये एक जो है हमारे पास की है, इसकी जो लेंथ है वो 5 centimeter. तो 5 centimeter कितनी कीज यूज करूंगा कि 1 meter तक पहुंचे, 5 centimeter 1 key की लेंथ. तो कितनी कीज चूज करूंगा इसी तरह मेजर करने के लिए 1 meter तक, वो 20 keys हो. मींस के 5 centimeter 1 key लेंथ है, सो इस 5 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास 100 बन जाएगा. 100 centimeter दैट इज इक्वल टू 1 meter उसके लिए. तो इसी तरह की कुछ एप्लीकेशन होंगी जो कि आपने करनी है मीटर के लिए. तो अब आ जाए एग्जाम्पल की तरफ. एग्जाम्पल क्या है, अलीशा इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ हर क्लासरूम डोर. द क्लासरूम डोर इज अबाउट 1 meter वाइड. उसकी विड्थ फाइंड करनी है, मींस के एक जो है हाइट है, ये वाली हाइट जिस तरह ये आपके पास बोर्ड लगा हुआ है, इस तरह यहां से लेकर यहां तक जो है ये इसकी विड्थ, और अगर इसी को टिल्ट कर दिया जाए तो 90 डिग्री के ऊपर, तो ये आपके पास ये वाली जो चीज है ये वर्टिकली हो जाए, जिस तरह डोर होता है, जैसा कि नेक्स्ट पिक्चर में आप ऑब्जर्व करें. ये जो है यहां पर लेंथ है वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टल जो है ये विड्थ है,
ये जो विड्थ है इस डोर की जो अलीशा मेजर कर रही है वो 1 मीटर है। इसी तरह आप कोई भी स्केल या मीटर रूलर यूज करें और आपके रूम में जो डोर है आपके घर में या जो आपके स्कूल में उसको मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सो डोर इज अबाउट 1 मीटर वाइड, यहां पर विड्थ क्या है हॉरिजॉन्टली गिवन है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए टास्क शीट की तरफ। हर स्टूडेंट ने ये टास्क शीट कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवानी है और यहां पर मेजर करना है फिल द प्रॉपर यूनिट सेंटीमीटर आर मीटर फॉर ईच ऑफ द बिलो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपने करना क्या है कि आपने इनको ऑब्जर्व करना है और ये बताना है कि इनको सेंटीमीटर में या मीटर में मेजर कर सकते हैं। सो आपने जैसा कि ये गिटार है ये 1 मीटर के लॉन्ग होता है या सेंटीमीटर के, सो यहाँ पर हम लोग मीटर राइट करते हैं। सिमिलरली लेंथ ऑफ टाई इज 90 के साथ क्या आएगा, मीटर आएगा या सेंटीमीटर आएगा। तो अगर मीटर करें तो वो तो टाई जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, सो 90 जो है ये सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली आपने बाकी पार्ट को कंप्लीट करने के बाद ये वर्कशीट अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं पोस्ट असेसमेंट की तरफ या रैपअप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें देखी, हमने ये चीज देखी मीटर इज अ मीट्रिक यूनिट, ये चीज हमने लर्न की, एंड देन विच इज यूज टू मेजर लेंथ एंड 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर, ये भी हम लोगों ने आज के लेसन में देखा। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, एक होम एक्टिविटी है जो कि आपने परफॉर्म करनी है और अपनी बुक के ऊपर इसको कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को चेक करवाना है। विच इज बेटर एस्टिमेट फॉर द हाइट ऑफ टेलीफोन टावर, टेलीफोन टावर जो है उसकी हाइट मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं, किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर। किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो तो डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर टू विलेजेस ये होता है, जबकि किलोमीटर जो है मीटर सेंटीमीटर तो हम लोग लेंथ ऑफ डोर मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर, और जो हाइट ऑफ टावर है उसके लिए डेफिनेटली हमें मीटर यूज करना पड़ेंगे। सो व्हील इन सर्कल आर फिल द सर्कल, मीटर वाला वो आपने फिल कर देना है। इसी तरह सेकंड पार्ट जो है इसकी एक्टिविटी का कंप्लीट करें और करने के बाद अपनी बुक जो है वो टीचर को चेक करवाएं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ आ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।